लॉकडाउन हड़ताल कर दी गई है। नरेश थप्पड़ को लेके जो है देवली कल चुनाव में जो हुआ था देखिए, ये भी ऐसी है कि वो खड़े कैसे हो गए, तो कांग्रेस में आ चुके थे तो किसकी चेहरे खड़े हुए हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है, इसकी नौबत क्यों आई। फिर जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, अब कल की घटना के बाद में आप बताइए सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए, शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे, इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल वो मामूली घटना नहीं थी, एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों, उतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की, तो कहाँ सरकार का इकबाल है। हम बार बार सरकार कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो, हम आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, और अगर बातों में दम नहीं है हमारी बातों में आप खंडन करो, दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो, यही तो डेमोक्रेसी में होता है। पर बीजेपी के तो जैन में उनकी फितरत में ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करो, बात सुनो, आलोचना को चयन करने की शक्ति रहे आप में, ये तो है ही नहीं उनके अंदर। जिले खत्म कर रहे हैं, नगर निगम खत्म कर रहे हैं, साल भर हो जाएगा अगले महीने, एक साल हो गया ना जिले खत्म कर पाए ना नगर निगम वापस कर पाए हैं, और भी कई बातें इन्होंने बोली है, तो आप देखिएगा कि फैसले क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जो करना फैसला करो, वो छः महीने के रिव्यू मीटिंग के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। हमारे वक्त में छः महीने के जो फैसले हुए थे, आपको उन पर डाउट है मान लीजिए, आप फैसला कीजिए उसके ऊपर, छः महीने की कमेटी बना दी उन्होंने रिव्यू करने की, फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर हमने गलतियाँ करी है आप सुधार कर लीजिए, आप कुछ भी फैसला कीजिए, फैसला कर नहीं रहे हैं और बार बार पिछली गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। मैं पूछना चाहूँगा कब तक लगाओगे, एक महीना दो महीना तीन महीना चार महीना, अब तो आप बताओ आपने एक साल में क्या काम किए हैं। अब वक्त आ गया, जनता पूछेगी आपसे, मीडिया वाले पूछेंगे कि छोड़िए अब पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया नहीं किया, सरकार चलेगी उनकी, तो आप बताइए आपने साल भर में क्या किया उसके बाद में, अब वो वक्त आ गया है। सर आपका गृहनगर में इतना बड़ा 14-17 दिन हो गए अनिता हत्याकांड, देखिए हत्याकांड हो गया, बहुत भयंकर आक्रोश लोगों के अंदर, जिस प्रकार का हत्याकांड हुआ है वो भी मेरे ख्याल से पहली बार सुनने में आया है कि इस प्रकार से आप जेसीबी के माध्यम से आप गड्ढा खोद के आपने लाश को खुदबूद कर लिया, पहली बार। ये भी इकबाल का सवाल है, सरकार का इकबाल खत्म होता तो लोगों का भय खत्म हो जाता, भय खत्म होता है तो फिर लोग कानून को हाथ में लेते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर ही हालत बने हुए, पूरे प्रदेश के अंदर हालात यही है, समझ नहीं पा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि एक मौका मिला मुख्यमंत्री जी को, पहली बार MLA बन के आप CM बन गए, ये बहुत बड़ा फैसला था इनका बीजेपी का, आप पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया आपने, बताइए आप बीजेपी में बीजेपी के नेता। अरे इससे अच्छा होता कि वसुंधरा जी जो है, जब राजनाथ सिंह ने पर्ची दी, कई लोग कहते हैं ना वो पर्ची वसुंधरा जी ने उनको बजाय भजनलाल जी नाम देखा, वो चाहती थी कि मैं कुछ भावना कन्वे करूं राजनाथ सिंह जी को, राजनाथ सिंह उसके देखे ही उनकी तरफ, आप सोच सकते हैं कि क्या रिएक्शन रहा होगा वहाँ मीटिंग के। अब बन गए वो तो एक उनको मौका इतना बड़ा मिला है, उनको चाहिए पक्ष विपक्ष को साथ ले, विपक्ष की आलोचनाओं को सहन करे, उनके सुझावों को स्वीकार करे या खंडन करे, पर अच्छी सरकार बनाए, अच्छा शासन दे, मेरा मानना।